वेक्सल इज मीन्स टू चेंज। तो ये जो प्रीपोजिशन होती है इनको हम बोलते हैं या तो टू वे प्रीपोजिशन होती है कि अकोजेटिव भी हो सकती है, डाटिव भी हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो चेंजिंग प्रीपोजिशन। जो पहले कल वाली क्लास में सीखा था हमने कि प्योर प्योर वाली प्रीपोजिशन अकोजेटिव थी, ओहना अकोजेटिव है, तो वो क्या है, प्योर अकोजेटिव है तो उसके आगे वाला पार्ट जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो अकोजेटिव हो जाता है। जैसे ओहना था अकोजेटिव प्रीपोजिशन, उसके आगे वाला पार्ट जो भी होगा नाउन प्रोनाउन वो क्या होगा, अकोजेटिव। वेक्सल की सिनेरियो में क्या होगा, इट कैन बी अकोजेटिव कैन बी डाटिव, चेंजिंग प्रीपोजिशन है, हम इसको बोल सकते हैं चेंजिंग प्रीपोजिशन और टू वे प्रीपोजिशन। अकोजेटिव डाटिव प्रीपोजिशन वाज इजी, क्यों क्यों इजी था अकोजेटिव प्रीपोजिशन, कि अकोजेटिव लगा तो अकोजेटिव बनेगा, डाटिव लगा प्रीपोजिशन तो डाटिव बनेगा। बट इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है कि अकोजेटिव भी हो सकती है डाटिव भी हो सकती है। अब नंबर के अंदर देखिए तो टोटल 9 प्रीपोजिशंस होती है जो वेक्सल प्रीपोजिशन होती है। तो फर्स्ट वन इज इन, सेकेंड इज आउट, तो टोटल 9 रहेगी। यूबर, इंटर, उंटर, आन, नेबन, श्विशन एंड फोर, ये 9 प्रीपोजिशंस है, इन, आउट, यूबर, इंटर, उंटर, आन, नेबन, श्विशन, फोर, ये वेक्सल प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आती है। वेक्सल मतलब टू वे प्रीपोजिशन है, चेंजिंग प्रीपोजिशन है, अकोजेटिव भी हो सकती है डाटिव भी हो सकती है। उनके कुछ रूल्स है कि कब अकोजेटिव होगी कब डाटिव होगी। अगर इसका ट्रांसलेशन देखो आप हिंदी में तो इनका इन ही रहता है, ऑफ है उसका रहेगा ऑन, जैसे कि टचिंग द सरफेस, यहाँ पे टचिंग द सरफेस का मतलब है जैसे टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, बोतल रखी हुई है, मोबाइल रखा हुआ है, तो वो टच कर रही है सरफेस को, इसलिए उसको बोलते हैं टचिंग द सरफेस। उसके लिए आपको प्रीपोजिशन लगानी है ऑफ। ऊपर रहेगा अबव, इस केस में क्या होगा, अबव मतलब जैसे टच नहीं हो रहा ऊपर है, तो ये हो रहेगा Not touching the surface above. Enter will be behind. Under is under. On. On वाली position जैसे कि off और on के अंदर क्या difference है? Horizontal और vertical difference है. जैसे कि table है, इसके ऊपर कोई bottle रखी हुई है, तो ये रहेगा off और दीवार के ऊपर map लगा हुआ, photo लगा हुआ, वो position रहेगी आपकी on. तो यहाँ पे मैं आपके लिए bracket में लिख देता हूँ, जैसे wall वाली situation. उसके लिए आपको लगाना आन प्रीपोजिशन। नेबन होता है नियर और नियर बाय, स्विशन इज बिटवीन, फोर इज इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। तो ये 9 प्रीपोजिशन है, इनके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कि कैसे अपोजिटिव बन रहा है कैसे डाटिव बन रहा है। जैसे दो सेंटेंस है, आई एम गोइंग इन द रूम, सेकेंड सेंटेंस इज आई एम इन द रूम। अगर मैं इन दोनों को ट्रांसलेट करूं तो पहला वाला रहेगा इसका इश गे है इन दास सीमर। अब देखिए सीमर क्या होता है, सीमर मीन्स रूम और रूम का आर्टिकल होता है दास, दास सीमर मीन्स रूम। नॉमिनेटिव में दास का दास रहता है, आपको टेबल पता है, नॉमिनेटिव में दास, अकोजेटिव में दास, डाटिव में जाके देम हो जाता है। टेबल अगर मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ आपके लिए, तो नॉमिनेटिव में टेबल ऐसे रहेगी, मास्कुलिन के लिए देर, अगर यही देर अकोजेटिव में जाता है इट विल बी देम, यही डाटिव में जाता है इट विल बी देम। फेमिनिन के लिए दी, अकोजेटिव में दी का दी ही रहता है, डाटिव में जाते ही दी का देर हो जाएगा। न्यूट्रल की अगर बात करें, नॉमिनेटिव में दास, अकोजेटिव में भी दास, डेटिव में डैम। इफ आई टॉक अबाउट द प्लुरल देन इट विल बी दी एंड देन प्लस एन। ये टेबल कौन सी है, अगर इंग्लिश में द वर्ड आता है और सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के लिए ये टेबल यूज करोगे, ऑब्जेक्ट के लिए ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, अकोजेटिव हो सकता है डाटिव भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल वापस लेते हैं रिवीजन के लिए, नॉमिनेटिव के लिए आएगा दिस इज द पेन ऑफ यूलिया, दिस इज द पेन ऑफ यूलिया, तो सेंटेंस क्या होगा,
दास इस्ट डर डेर कुली फोन यूली फोन यूलिया यूलिया। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, आई हैव द पेन, सेंटेंस क्या बनेगा? इशाबत डेन कुली। नाउ टाइम्स टू डू द एनालिसिस, यहां पर भी है द पेन राइट, और इस वाले सेंटेंस में भी है द पेन। ये द पेन ट्रांसलेट हुआ है देर कुली में, और ये वाला द पेन ट्रांसलेट हुआ है देन कुली में। रीजन वेरी सिंपल, फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर द पेन ऑब्जेक्ट नहीं है, जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब हमेशा नॉमिनेटिव रहेगी। वहीं सेकंड सिनेरियो में सब्जेक्ट कौन है? इश। इश तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव। और अगर दूसरे तरीके से देखो, किसके पास में पेन है, हु से क्वेश्चन बनेगा, दिस पार्ट विल बी नॉमिनेटिव। व्हाट से क्वेश्चन बनेगा, दैट पार्ट विल बी ऑब्जेक्टिव। ये कल वाला रिवीजन है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं तो फिर वापस एक्सेल पे चलते हैं। तो ये था सेंटेंस। अब दास सिमर है, दास सिमर मीन्स रूम, ये है नॉमिनेटिव में। एक्यूजेटिव में दास का दास ही रहेगा, डाटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डैम सिमर। देखिए दास नॉमिनेटिव, दास एक्यूजेटिव, डाटिव में जाते हैं डैम। तो यहां पर जो मैंने ट्रांसलेट किया है वो है इश गे इन दैट सिमर। यहां तक अगर क्वेश्चन फॉर्मेट से समझोगे कौन जा रहा है, नॉमिनेटिव। इन इज अ वेक्चुअल प्रीपोजिशन, इसके आगे वाला पार्ट क्या है? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि दास सिमर नॉमिनेटिव में भी तो दास ही है, देखो इधर भी दास सिमर, इधर भी दास सिमर, तो आप कैसे पहचानो कि कौन सा दास सिमर मैंने लिखा? कोई तरीका पहचानने का? मीन्स नॉमिनेटिव के अंदर सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पर जो मैंने दास लिखा है वो आग नॉमिनेटिव नहीं है, ये है एक्यूजेटिव। अगर डाटिव होता तो देम होता, ये दास है इसका मतलब या तो नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव। अब नॉमिनेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि नॉमिनेटिव ऑलरेडी इश आ चुका है, तो ये वाला पार्ट क्या है? एक्यूजेटिव। तो सेंटेंस क्या बना? इश गे इन दैट सिमर। इसमें से कुछ रूल्स निकल के आएंगे, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा। सेकंड सेंटेंस है आई एम इन द रूम, दास के जगह पे डैम भी तो हो सकता है। बिल्कुल, अभी डैम ही लाएंगे। इश बिन इन दैम सिमर, सेकंड सेंटेंस कौन सा? ये वाला आई एम इन द रूम। अगेन यहां पर अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में चलोगे, कौन है रूम में? हु, नॉमिनेटिव। इनके बाद में देम आ रहा है, देम किस सिनेरियो में आता है? डाटिव के अंदर। कहां पर है डाटिव? देखिए दास दास देम, मतलब ये देम क्या है? डाटिव। तो यहां पर अगर इंग्लिश में देखो, यहां पे भी इन द रूम है और सेकंड में भी इन द रूम है, बट फर्स्ट इन द रूम गो ट्रांसलेटेड इन दास सिमर, सेकंड इन द रूम गो ट्रांसलेटेड इन देम सिमर। क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? कि एक इन देम से इन द रूम तो ट्रांसलेट हुआ इन दास सिमर, और दूसरा इन द रूम ट्रांसलेट हुआ इन देम सिमर। यही वेक्सल प्रीपोजिशन का रूल है। वेक्सल प्रीपोजिशन में चेंजिंग प्रीपोजिशन टू वे प्रीपोजिशन, ये एक्यूजेटिव में भी बैठ सकती है और डाटिव में भी बैठ सकती है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। अब दोनों सेंटेंस को ढंग से देखोगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। पहले में जा रहा है, दूसरे में रूम में है, दैट मीन्स क्या रूल निकल के आया? पहले में मूवमेंट है। पहले सेंटेंस में क्या निकल गया है? मूवमेंट। दूसरे में नो मूवमेंट। तो क्या हम इतना समझ सकते हैं कि जब जब मूवमेंट होगा तब तब हम जो वेक्सल प्रीपोजिशन है उसका बिहेवियर एक्यूजेटिव होगा, जब जब मूवमेंट नहीं होगा उसका बिहेवियर डाटिव होगा? क्या थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं सर? अभी तक तो ये पता चला। इसको वापस लेते हैं दोनों सेंटेंस को। पहला सेंटेंस था I am going in the room. Second था I am in the room. English के अंदर दोनों में ही in the room आया है, but इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर वो already वहां पर है, that means इसमें क्या हो रहा है? Movement. इसमें क्या हो रहा है? नो मूवमेंट।
रूल ये निकल के आ रहा है कि मूवमेंट होगा तो जो वेक्चुअल प्रीपोजिशन है उसका बिहेवियर होगा आकुजेटिव, नो मूवमेंट होगा उसमें वेक्चुअल प्रीपोजिशन का बिहेवियर रहेगा डेटिव. नाउ यू कैन इजीली ट्रांसलेट, आई एम गोइंग इश ये है. इस सिनेरियो में एम विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, जैसा मैंने बताया था आईएनजी फॉर्म आ जाए तो वो ट्रांसलेट नहीं होगा. सो इश गया है, इनको इनी बोलते हैं, जो इंग्लिश में जो इन है जर्मन में वो इनी रहेगा, बट वेक्चुअल प्रीपोजिशन है. यहां पर आके आपको रुकना है, ये चेंजिंग प्रीपोजिशन है, दो बिहेवियर होते हैं इस प्रीपोजिशन के, अकुजेटिव में भी जा सकती है डेटिव में भी जा सकती है. तो मुझे कौन सा सेंटेंस बनाना चाहिए? मुझे बनाना चाहिए अकुजेटिव. क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है. अब दास रूम होता है द रूम, दास रूम, दास सिमर का अकुजेटिव क्या होता है? दास का दास ही रहता, डेटिव में जाके हो जाएगा देम सिमर. तो मैं कौन सा वाला लूंगा? ये वाला. तो इश गे इन दास सिमर. सेकंड क्या होगा? इश बिन आई एम. इस बार एम ट्रांसलेट होगा. क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है. यहां पर एम ट्रांसलेट नहीं हुआ था, यहां पर एम ट्रांसलेट होगा क्योंकि आईएनजी की फॉर्म नहीं है. इश बिन डैम सिमर, डैम सिमर. तो आपकी ग्रामर कहां पर है? यहीं पर है. अगर अकुजेटिव मूवमेंट होता है तो इसको अकुजेटिव में डालना है, अगर नो मूवमेंट होता है तो इसको डाटिव में भेजना है. अकुजेटिव में दास सिमर, डाटिव में देम सिमर. नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस. अब मैं रूम में डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग इन द रूम. डांस को बोलते हैं टांसन. टांसन मीन्स टू डांस. यहां तक मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, इश डांसर इन. तो बताइए जो ये इन द रूम है ये अकुजेटिव में जाएगा या डेटिव में जाएगा? इन द सिमर. क्यों? अकुजेटिव. 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 सभी एग्री करते हो अकुजेटिव में? रीजन क्या, लॉजिक है इसके पीछे? मूवमेंट हो रही है. ओके, मूवमेंट. चलो थोड़ी देर के लिए बताऊं, मैं प्लेट डेटिव होगी. ठीक है, अगर मान लो मैं बोतल से पानी पी रहा हूं, अकुजेटिव जाएगा डेटिव जाएगा? डेटिव होगा क्योंकि ये किसी क्लोज बाउंड्री के अंदर है, एक ही सीमा में. सर एक ही सीमा के अंदर, एक ही सीमा के अंदर है. अगर मैं बोतल से पानी पी रहा हूं तो अकुजेटिव जाएगा डेटिव जाएगा? सर डेटिव. कैसे बनाओ सेंटेंस? मैं पानी पी रहा हूं. हां, इसका लॉजिक ये है, ये जो रूल्स अपन सीख रहे हैं ना ये सिर्फ वेक्चुअल प्रीपोजिशन पे लगा रहे हैं. अब बोतल से पानी पी रहे में कोई भी वेक्चुअल प्रीपोजिशन नहीं आ रही, देख लो लिस्ट के अंदर. वेक्चुअल प्रीपोजिशन की लिस्ट कौन सी है? इन इन ऑफ यूवर हिंटर उंटर ऑन नेवन स्विशन फोर. बोतल से पानी पी रहा हूँ, इसमें कोई वेक्चुअल प्रीपोजिशन है ही नहीं. हेडेक हो रहा है तो हेडेक की दवाई लेनी है, और दूसरा पेन हो रहा है तो उसी की पेन की दवाई लेनी है. ये नहीं कि इसका रूल उस पर लगा देना. ये रूल सिर्फ यहीं पे लगने वाला है, जो वेक्चुअल प्रीपोजिशन अगर आपकी आती है उस केस में मूवमेंट होता है तो अकुजेटिव, नो मूवमेंट होता है तो डेटिव. बट ये तीसरा तरीका निकल के आया है कि मूवमेंट तो है बट इन ए फिक्स्ड एरिया, जो सर्टेन बाउंड्री है रूम की उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में जाते हैं डेटिव इन देम सिमर. तो ये क्या हो जाएगा? डेटिव. यहां पे एक और क्वेश्चन उठ के आता है. मान लो मैं स्टेडियम में रनिंग कर रहा हूं या रूम में, मान लो रूम में डांस कर रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि फिक्स बाउंड्री है? मान लो रूम के दो तीन गेट खुले हुए हैं तो आप कैसे मानोगे कि रूम का ये एरिया खुला हुआ आधा रूम? फिर तो इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि मूवमेंट होता तो अकुजेटिव, नो मूवमेंट होता तो डेटिव. मूवमेंट इन ए फिक्स एरिया विल बी डेटिव. ये तो मैं लिख देता हूँ. ये रहेगा आपका हमेशा डेटिव. सर्टेन प्लेस फिक्स एरिया है, डेटिव रहेगा. बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता कई लोगों को कि किसको मूवमेंट माने किसको मूवमेंट नहीं माने. तो इसका सीधा सा एक लॉजिक सॉल्यूशन निकलता है क्वेश्चन फॉर्मेट. क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आप इस पे एक क्वेश्चन बनाओ फर्स्ट वाले सेंटेंस में, आई एम गोइंग इन द रूम, दो क्वेश्चन बनते हैं. कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ. उससे क्वेश्चन बना क्या रहेगा? ये नॉमिनेटिव. कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने के लिए क्या वोहिन From where, where, to where, wohin, where, wo, right? तो कहाँ को जा रहा है? Wohin. तो जब जब आपका wohin question बनेगा, तब तब क्या होगा वो? Accusative. किस scenario में? Vexal preposition के case में. Second में देखो क्या question बनेगा? I'm in the room. कौन है room में? Who?
एंड कहाँ है, कहाँ होने के लिए कौन सा डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा, वो तो यहाँ पे रहेगा वो। तो यहाँ पर अपने पास में सॉल्यूशन क्या निकलता है, जब जब वेक्सल प्रीपोजिशन के केस में वो से इक्वेशन बनेगा तो ये सेंटेंस क्या प्रीपोजिशन क्या बिहेव करेगी, डार्टिव। थर्ड वाला देखो, आई एम डांसिंग इन द रूम, दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन डांस कर रहा है, हु, और दूसरा बन रहा है कहाँ डांस कर रहा है, दोनों। तो दैट मींस अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट से जाते हैं तो दो ही तरीके निकलते हैं, कि जब जब वो इनसे क्वेश्चन बनेगा ये होगा आपका अकॉजेटिव, जब जब वो से क्वेश्चन बनेगा ये होगा आपका डार्टिव। और मूवमेंट से चलोगे तो मूवमेंट होगा तो अकॉजेटिव, नो मूवमेंट होगा डार्टिव, मूवमेंट इन ए फिक्स एरिया डार्टिव। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम ये ट्री है, ओके ये ट्री है और काट से है, ट्री को बोलते हैं देर बाउम, देर बाउम मीन्स ट्री, और बिल्ली है कैट को बोलते हैं दी काट से, दी काट से मीन्स कैट। अब ये कैट ट्री के नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मीन्स अंडर आ रहा है इंग्लिश के अंदर, कैट इज गोइंग अंडर द ट्री, और अंडर को क्या बोलते हैं, उंटर, उंटर। देखिए उंटर क्या आपका वेक्सल प्रीपोजिशन, अब वेक्सल लगते हैं आपको दो बार सोचना है कि मैं इसको अकॉजेटिव में बनाऊं या डार्टिव में बनाऊं। अब केट बिल्ली केट इसके नीचे जा रही है ट्री के नीचे, दैट मींस क्वेश्चन बन रहा वोहिन कहां जा रही है, अकॉजेटिव, तो वोहिन आएगा तो क्या होगा, ये जो उंटर प्रीपोजिशन अपन लगा रहे हैं वो क्या बिहेव करेगा, अकॉजेटिव, अकॉजेटिव क्या होगा, द कार्ट्स है, द कार्ट्स है गेट, गेट उंटर, उंचर, देन बाउम, देन बाउम, ये देन कहाँ से आया सर, अकॉजेटिव, नॉमिनेटिव के अंदर रहेगा देर, अकॉजेटिव में जाते हो जाएगा ये देन, देन, और डार्टिव में जाते हो जाएगा ये देम, देम, देम बाउम। अब हमको कौन सा चाहिए था, अकॉजेटिव, अकॉजेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा वोहिन, वोहिन। अब लेट्स अज्यूम ये केट अब आके यहाँ पे बैठ जाती है, द केट इज अंडर द ट्री, पहले का इंग्लिश लिख देता हूं मैं, द केट इज गोइंग, सेकंड है द केट इज अंडर द ट्री, और मनाएगा इसको, मैं नाम लेता हूँ जो बिल्कुल साइलेंट बैठा है, रुको, दी कार्ट्स उंटर देम बाउम, अभिषेक आप बनाओ, अभिषेक यादव आप बनाओ, दी कार्ट्स से ईस्ट, दी कार्ट्स से अंडर, अंडर को से क्या बोलते हैं, अंडर को बोलेंगे उंटर, ये चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा रहेगा, ये बन गया आपका डार्टिव। नाउ लेट्स चेक इट, अंडर द ट्री यहां पर भी है, अंडर द ट्री यहां पर भी है, ये इस अंडर द ट्री को हमने बोला उंटर देम देन बाउम, इस अंडर द ट्री को बोला उंटर देम बाउम, ऐसा क्यों, बिकॉज हमारे पास में एक प्रीपोजिशन थी उंटर, और उंटर एक वेक्सल प्रीपोजिशन है, उसका बिहेवियर ये है कि वो अकॉजेटिव भी हो सकती है, वो डार्टिव भी हो सकती है, अकॉजेटिव तब होगी जब आपका क्वेश्चन बन जाता वो हिंसे, डार्टिव तब होगी जब आपका क्वेश्चन बनता वो से, ये तो रहा क्वेश्चन फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट किसी को इजी समझ में आता है, वो आता है मूवमेंट वाला फॉर्मेट। तो देखो अगर केट ट्री के नीचे जा रही है, दैट मींस मूवमेंट इज देयर, मूवमेंट होगा तो अकॉजेटिव, सेकंड में शी इज अंडर द ट्री, नो मूवमेंट, डार्टिव। थर्ड में लेट्स अज्यूम कि शी स्टार्ट्स जंपिंग और डांसिंग अंडर द ट्री, तो क्या आएगा, डार्टिव आएगा अकॉजेटिव आएगा, नहीं डार्टिव, पहला तो फॉर्मेट रूल क्या है कि मूवमेंट हो रहा है फिक्स एरिया के अंदर हो रहा है, फिक्स चीजों के नीचे, तो ये डार्टिव में जाएगा। दूसरा रूल क्या है, वो से क्वेश्चन बन रहा है कि कहां पे जंपिंग या डांसिंग हो रही है, तो वो से क्वेश्चन डार्टिव। आपके लिए कौन सा फॉर्मेट सही लगा, क्वेश्चन फॉर्मेट या मूवमेंट, नो मूवमेंट, क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट ज्यादा इजी रहता है, अदरवाइज किसी को जैसे मैंने पूछा मैं बोतल से पानी पी रहा हूँ, उसमें वेक्सल प्रीपोजिशन लगी नहीं रही, फिर भी आप मूवमेंट नो मूवमेंट लगा दोगे, मैं चेयर को बाहर लेके जा रहा हूँ, इसमें वेक्सल प्रीपोजिशन है नहीं, फिर भी आप मूवमेंट नो मूवमेंट लगा दोगे,
सिर्फ ये रूल कहाँ पे अप्लाई करेगा, सर, वोहीन एक और वोका? सर एक चीज, जब सर ये वोहीन और वोका सेंस अगर उसमें मतलब क्वेश्चन में आ रहे हो, जब भी सर वेक्सल प्रीपोजिशन यूज करना है क्या? नहीं, अगर वेक्सल प्रीपोजिशन हो और वो और वोहीन का सिनेरियो, तब आपके रूल का अप्लाई करना है। अच्छा, वेक्सल प्रीपोजिशन को पहचानने के लिए सीधा सा तरीका है, जैसे वेक्सल प्रीपोजिशन आई, आपके पास में डाउट रहेगा कि इसको अकोजेटिव बनाऊं या डाटिव बनाऊं, तो आपके पास में दो तरीके हैं, सॉल्यूशन दो है। पहला तो आप क्वेश्चन फॉर्मेट से चलिए कि वोहीन से क्वेश्चन बना तो मैं इस वेक्सल प्रीपोजिशन को अकोजेटिव की तरह ट्रीट करूंगा, अगर वो से क्वेश्चन बना तो मैं इसको डाटिव की तरह ट्रीट करूंगा। अगर वोहीन वो में कंफ्यूजन है तो आप मोमेंट नो मोमेंट पे चले जाइए कि मोमेंट होगा तो अकोजेटिव में जाएगा, नो मोमेंट होगा तो डाटिव में जाएगा, और मोमेंट है बट फिक्स एरिया के अंदर है तो वो डाटिव में जाएगा। अब देखो तीसरा है, और एग्जांपल लेते हैं, सबका एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। रूल सभी वेक्सल प्रीपोजिशन का सेम ही है, जो एक का बताया वो सबका है। फोर, हेलो सर, मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। जैसे कि लेट्स अज्यूम ये कैमरा है, बनेगा नहीं, मेरे से मैं सीधा लिख देता हूँ, द कैमरा मीन्स कैमरा। ये कैमरा मेरे सामने है, मैं कैमरे के सामने जा रहा हूं तो क्या बनाऊंगा मैं, सामने के लिए क्या प्रीपोजिशन आएगी? फोर। फोर। अब मैं इस फोर को अकुजेटिव की तरह ट्रीट करूं या डाटिव की तरह ट्रीट करूं? सर, व्हेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स द कैमरा, यस, सो इट विल बी वोहीन क्वेश्चन की वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन बनेगा, कहां जा रहे हो, वोहीन से क्वेश्चन बन रहा है अकुजेटिव, दैट मींस ये जो कैमरा है वो अकुजेटिव में रहने वाला है। इश गेह फॉर द कैमरा। सेकंड सिनेरियो के अंदर मैं अब कैमरे के सामने हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अब जो ये फोर है अकुजेटिव रहेगा डाटिव रहेगा? डाटिव। डाटिव बिकॉज क्वेश्चन इज विथ वो, वो इज विथ फॉर द कैमरा, फॉर देयर कैमरा, फॉर देयर। हां, ये देर कहां से आया? नॉमिनेटिव में डी का मेरा होता है, अकुजेटिव में भी डी ही होता है, और डाटिव में जाके हो जाएगा ये देर का मेरा। तो दिस इज अकुजेटिव एंड दिस वन इज डाटिव, दिस वन इज नॉमिनेटिव। लेट्स अज्यूम आई स्टार्ट डांसिंग ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जैसे मैं कैमरे के सामने डांस करना स्टार्ट करता हूं, विल इट बी अकुजेटिव और डाटिव? डाटिव। व्हाई? डाटिव। क्वेश्चन आता है वेयर आर यू डांसिंग, वो से क्वेश्चन बनता है, और वो से क्वेश्चन बनेगा तो डाटिव। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स एरिया के अंदर डांस कर रहे हो। सर यहाँ पे कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा, लाइक वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द कैमरा व्हाइल वी डांसिंग, यस दैट्स व्हाई। हाँ, एक तो क्वेश्चन बनता है वो, हम इंग्लिश में पूछे वेयर आर यू डांसिंग, आई एम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा पता नहीं कैमरा का एरिया कितना है, कहां तक उसका लेंस जा रहा है, बट बोलने में आएगा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उसको हम फिक्स एरिया कंसिडर करेंगे। बट इजी वे है वो, कि वेयर आर यू डांसिंग, वो से क्वेश्चन बना डाटिव। शो इश बिन फॉर देयर कैमरा। थर्ड, आई एम डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इश डांस फॉर देयर कैमरा। इफ आई आस्क यू कि वो बिस टू, वेयर आर यू, वो बिस टू, कौन बताएगा? आई एम इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, गार्डन के सामने हूं मैं, गार्डन का आर्टिकल होता है देयर, देयर गार्डन, इश बिन अकुजेटिव में हो जाएगा, देन डाटिव में हो जाएगा देयर कैमरा, इश बिन डैम, इश बिन और बिन फॉर डैम गार्डन, फॉर डैम गार्डन। अगर आप बोलो मुझे कि मैं गार्डन के सामने जा रहा हूं, फिर इस गे हो फॉर देयर डैम गार्डन, इस गे है फॉर देयर, फॉर डैम गार्डन। दिस वन इज अकुजेटिव, दिस वन इज डाटिव, रीजन क्वेश्चन इज विथ वो, या फिर रीजन क्वेश्चन इज विथ वोहिन। ठीक है, चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। ही इज रनिंग इन द, म्यूट करना है, किसके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है।
सेकंड है, ही इज थर्ड वन. चलो सभी चैट में लिखना, लिख के भेजना ताकि मुझे पता चले किसके अभी कंफ्यूजन रह रहा है. ही इज गोइंग इन द स्टेडियम. स्टेडियम का आर्टिकल होता है दास और इसको बोलते हैं स्टाडियोन. रन के लिए वर्ब है लाउफन. बनाइए क्विकली, एक मिनट का टाइम. चैट के अंदर डालो, मैं देखता हूं. Aksirat Singh to everyone, okay. And left in the studio. जल्दी जल्दी से लिखिए, एक मिनट का टाइम है. सर वैसे हो गया. हाँ आपका हो गया, बाकी का दे, देर तो आएगा नहीं. मोहम्मद हारिस देर तो आएगा नहीं. स्टेडियम का आर्टिकल ही दास है तो देर तो चांस ही नहीं है. नॉमिनेटिव में देर दास होता है, अकुजेटिव में दास होता है, डाटिव में देम होता है. सो यू हैव टू ऑप्शंस, दास और देम. देर तो आना ही नहीं है. हेलो टू इन दास स्टेडियम. आदित्य ए लेफ्ट इन दास स्टेडियम लिखा. क्वेश्चन वो से बनेगा या वोहिन से बनेगा? देखो पहला वाला क्या है, ही इज रनिंग, इज तो ट्रांसलेट होगा नहीं. एयर के साथ में क्या होगा? एयर लेफ्ट, एयर लेफ्ट, लेफ्ट इन, इनको बोलोगे आप इनका इन ही होगा. यहाँ पे होता है कहां पर, कहां पर रनिंग कर रहा है? क्वेश्चन इज वो, कहां पर रनिंग कर रहा है? वो से क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा? डाटिव. डाटिव में अगर द स्टेडियम डाटिव में जाएगा तो क्या होगा? नॉमिनेटिव में दास, आपको जटी में दास, डाटी में डैम. सो ए लेफ्ट इन देम स्टेडियम. और इन देम की शॉर्ट फॉर्म होती है इम, दैट मींस आप इसको इम भी लिख सकते हो. इम प्लस देम इम होता है. सो ए लेफ्ट इन देम स्टेडियम. अगर मूवमेंट और मूवमेंट का रूल यहाँ पे लगाते हो तो मूवमेंट तो है, रनिंग कर रहा हो स्टेडियम में, मूवमेंट इज देयर बट इन ए फिक्स एरिया. थर्ड वाला रूल लगेगा इसके अंदर, जो अपन यहाँ पर किया था, जो सिंग अंदर होंगे, देन यू कैन गो विद द क्वेश्चन कर रहा है आपको. आप मान लो लेट्स अस्सुम कि आप सुबह सुबह कॉल रनिंग करते हो, कोई पूछे कहाँ पर रनिंग कर रहे हो, वेयर आर यू रनिंग, तो क्वेश्चन क्या मतलब? वेयर, वेयर मींस वो से क्वेश्चन बना डाटिव, डाटिव में देम स्टेडियम. सेकंड ही इज इन द स्टेडियम, यहाँ पर क्वेश्चन क्या मतलब? कहाँ पर है? वेयर, वो एरिस्ट हो तो एरिस्ट इन देम स्टेडियम, इन देम स्टेडियम, अगेन इन प्लस देम शॉर्ट में इम, एरिस इम स्टेडियम. लिखना चाहो आप इम लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप इन प्लस देम भी लिख सकते हो, बट शॉर्ट में इन प्लस देम होता है इम. थर्ड ही इज गोइंग इन द स्टेडियम, तो कौन जा रहा है? ही इज गोइंग नॉमिनेटिव. इन इज अ वेक्शुअल प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है? वोहिन, कहाँ जा रहा है? ये बनेगा ना वोहिन, कहाँ जा रहा है? तो वोहिन से क्वेश्चन बनेगा आखुजाटियो. एयर गेट इन द स्टेडियम, इन द स्टेडियम, इन द स्टेडियम. तो सेंटेंस क्या होगा? एयर गेट इन द स्टेडियम. अगर स्टेडियम में जा रहा है आखुजाटियो, अगर स्टेडियम में रनिंग कर रहा है टाटियो, स्टेडियम में है टाटियो. मान लो ये रोड है, इसके ऊपर आप रनिंग कर रहे हो, मैं आपको कॉल करता हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, वास मार्क्स डू, सो दिस इज माय क्वेश्चन. आपको बोलना है आई एम रनिंग ऑन द रोड,
वोकैब लिख देता हूं, लाउफन होता है टू रन और रोड का आर्टिकल होता है दी स्ट्रासर। बनाइए जल्दी से, आई एम रनिंग ऑन द रोड। इस लाउफ इस लाउफ इस लाउफ इस लाउफ है। यहाँ पे जो ओन आया है, ओन कौन सा ओन आपके पास में? टचिंग द सरफेस है, दीवार वाली पोजीशन वाला है, सर बट हॉरिजॉन्टल। टचिंग द सर, टचिंग द सर मींस वी विल टेक ऑफ द प्रोपोर्शन इश आउफ, तो वी विल टेक दिस प्रोपोर्शन सेकंड वन आउफ। और आउफ क्या है? वेक्सल प्रोपोर्शन। रूल क्या है? मोमेंट आपको जाती हूँ, नो मोमेंट डाटिव, मोमेंट इन ए फिक्स एरिया डाटिव, फर्स्ट रूल। सेकंड अगर लगाना चाहो वो इन से क्वेश्चन आकुजेटिव, वो से क्वेश्चन डाटिव। कीजिए ट्रांसलेट क्या होगा? इस लाउफ ऑफ दिस स्ट्रासर, ऑफ दिस स्ट्रासर। ओके नेक्स्ट वन, और किसी के डाउट हो तो बताओ। इन्होंने दी बोला, इफ समबडी वांट्स टू करेक्ट। इस लाउफ ऑफ देयर स्ट्रासर। ओके जिसने देर बोला वो एक्सप्लेन कीजिए, देर क्यों लगाया आपने? इस लाउफ ऑफ देयर स्ट्रासर। देर क्यों आया? डाटिव क्यों आया? नो नो नो, अकुजेटिव ही होगा क्योंकि क्लोज बाउंड्री नहीं है ना। कहीं ना कहीं तो एंड हो रही होगी रोड। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या डाउट होते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वो वहीन वाला फॉर्मेट लगाना है। क्वेश्चन वो से बन रहा है या वहीन से बन रहा है? कहाँ कहाँ रनिंग कर रहे हो? आई एम रनिंग ऑन द रोड। वेयर आर यू रनिंग? आई एम रनिंग ऑन द रोड। दैट मींस क्वेश्चन इज वेयर, किससे बन रहा है? वो से। उससे बनेगा तो क्या होगा? डॉटिव। डॉटिव तो सेंटेंस क्या होगा? लाउफ लाउफ है ऑफ देयर स्ट्रासर। ऑफ देयर स्ट्रासर, ये देयर क्या है? जो दी स्ट्रासर था वो डॉटिव में जाते क्या हो जाएगा? देयर। क्या ऐसा सिनेरियो आ सकता है जिसमें इसको एक्यूजेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है। कब आएगा? कहाँ दौड़ने जा रहे हो? रोड पे जा रहा हूँ, तो वोहिन से क्वेश्चन बनेगा। फिर सेंटेंस क्या बनेगा? इश लाउफ है ऑफ दी स्ट्रास। इसका मिलता जुलता एक सेंटेंस और देता हूँ। लेट्स अज्यूम आप मेरे रूम में आते हो, मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हो? मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। दैट मींस अभी बैठे हुए नहीं हो, बैठ रहे हो। सो वेयर आर यू सिटिंग? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। बैठे नहीं हो, बैठ रहे हो। सेकंड में पूछता हूँ कहाँ क्या कर रहे हो? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। दैट मींस वो बैठा हुआ है। इंग्लिश में एक ही सेंटेंस आ रहा है, अगर उसको और डीप में जाओगे तो आई एम अबाउट टू सिट ऑन द चेयर तो अलग है। आई एम sitting on the chair, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो आप बैठने वाले हो, ये चेयर है मान लो टेडी मेडी, इसके ऊपर आके आप बैठने वाले हो। रूम में पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या बन रहा है? वोहिन से। कहाँ बैठ रहे हो? चेयर पे बैठ रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मेट किस में जाएगा? आकुजेटिव में। सेकेंड सिनेरियो के अंदर आप चेयर पे आके बैठ जाते हो, वापस मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या कर रहे हो? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। इंग्लिश में सेम सेंटेंस है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ये बनेगा वो से, कहाँ बैठे हुए हो? डाटियो में। अब इन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। या तो बोर्ड दिख रहा है ना आपको? इस जेट्स ऑफ देन स्टूल, जो चेयर होता है उसको बोलते हैं स्टूल। देयर स्टूल मींस चेयर। प्रीपोजिशन ऑफ क्यों लगाया? बिकॉज टचिंग द सरफेस। अकुजेटिव में जाएगा, क्या हो जाएगा? देन स्टूल। सेकंड में बैठा हुआ हूं चेयर पे, इस जिट्स ऑफ देन स्टूल। यहां पे दो चेंजेज आपको क्लियरली दिख जाएंगे। पहला चेंज कहां दिख रहा है? बस सेंटेंस में मैंने यूज किया है जेटसन वर्ब, Jetson. और सेकंड में यूज किए मैंने जिटसन वर्ब। दैट मींस जो बैठने के लिए जो वर्ब है वो अकुजेटिव के लिए अलग है, डाटिव के लिए अलग है। जिटसन होगी आपकी अकुजेटिव के लिए यूज,
जिप्सन होगी आपकी डेटिव के लिए यूज। और चूंकि मैं पस वाला सेंटेंस आपको डेटिव बना रहा हूं, मैं चेयर पे बैठ रहा हूं, अभी बैठा नहीं हूं, बैठ रहा हूं, दैट मींस क्वेश्चन है वोहिन से, मोमेंट इज देयर, तो आपको डेटिव जाएगा, तो देयर स्टूल का हो जाएगा देन स्टूल। सेकंड वाला सेंटेंस है उसके अंदर मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं, दैट मींस क्वेश्चन क्या है वो से बना, डेटिव में जाएगा तो देयर स्टूल क्या हो जाएगा देम स्टूल। सो नॉमिनेटिव में देयर स्टूल, एक्यूजेटिव में देन स्टूल, डेटिव में देम स्टूल, इसलिए यहां पे देम आया, यहां पर देन आया। एक्यूजेटिव वर्ब यूज करनी थी जेटसन यूज की, डेटिव वर्ब यूज करनी थी जेटसन यूज करी। यहां तक किसी को डाउट? डाउट हो सकता है अगर आप मोमेंट नो मोमेंट में जाओ तो काफी लोगों की समझ में नहीं आता है कि कहां पर मोमेंट हो रहा है कहां पर नो मोमेंट हो रहा है, सो यू मे गेट द प्रॉब्लम। Easy one is question format. If you have the question with wohin, accusative, question with wo, dative. Very simple. Let's assume आप किसी river में swimming कर रहे हो. I am swimming in the river in actual preposition. अभी accusative भेजूं मैं इसको या dative भेजूं? Sir, dative. क्यों? Dative. Sir, कहाँ कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? Where? Right? तो dative में जाएगा. In them flows आ जाएगा. River को बोलते हैं flows. क्या ऐसा कोई एक्यूजेटिव बन सकता है इसका रिवर के साथ में सेम सिनेरियो में? बिल्कुल बन सकता है, अगर आप रिवर में डाइव करके जा रहे हो, वापस बाहर आ रहे हो, वापस अंदर जा रहे हो, और आपको कोई कॉल करके पूछे क्या कर रहे हो, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, दैट मींस आप अभी रिवर में नहीं हो, कभी बाहर आ रहे हो कभी अंदर जा रहे हो, तो वो रहेगा आपका एक्यूजेटिव। रोड वाले केस में हुआ ना, समाइंट रोड पे ही, और आपको फोन उठाते हो कहां पर हो, मैं रोड पे रनिंग कर रहा हूं, डाटी बन गया, रोड पे हो ही नहीं अभी, या तो जाने वाले हो जाके उतर रहे हो वापस चढ़ रहे हो, दैट मींस चेंज इन द सरफेस, वो क्या हो रहा है किए हैं इन कर लिया, ऑफ कर लिया, इन ऑफ उंटर कर लिया, और कर लेते हैं एक दो, इंटर इंटर होता है बिहाइंड, पीछे पीछे, ठीक है। अच्छा एक और तरीका, इनको याद करने का तरीका है क्या आपके पास, किसी के पास में, कि वेक्सल प्रीपोजिशन कैसे याद कर सकते हैं आप? अपने फेस से याद कर सकते हो, लेट्स अज्यूम मैं हाथ को यहां पे रखता हूं, ये वो आपका आउट टचिंग द सरफेस, नॉट टचिंग द सरफेस, यूबर यूबर, ठीक है, यूबर सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, हाथ को पीछे लेके जा रहा हूं, हिंटर, ये वाली पोजीशन बिटवीन स्विशन, दिस वन उंटर अंडर, दिस वन फोर, ये वाली आन, लाइक दीवार पे होता है वैसे आन, ये वाली नेबन, ठीक है, और ये वाली जैसे पेन को मुंह में लेता हूं इन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, अपने फेस से पूरे प्रीपोजिशंस को याद कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रीपोजिशन कभी कभी याद करना मुश्किल होता है कि कैसे मैं याद करूं नो प्रीपोजिशंस को, सो इजीली आप इसको याद कर सकते हो। इंटर का लेते हैं, तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं सोफा का, जोफा, दास जोफा मींस सोफा, और सोफा के पीछे वापस केट को भेजते हैं डिकार्ट से, द केट इज गोइंग बिहाइंड द सोफा, बनाओ, एंड सेकंड सेंटेंस द केट इज बिहाइंड द सोफा, एक में पीछे जा रही है सोफा के, एक में पीछे ही है, डी केट से गेट, कॉट से गेट, इंटर द सोफा, बिहाइंड द सोफा, सेकंड कॉट से गेट से ईस्ट, इंटर देयर सोफा, सॉरी देम सोफा, ओके, अदर्स आल्सो, दूसरे लोग बताइए क्या आएगा, द कॉट से गेट, हिंटर द सोफा, और द कॉट से गेट, द कॉट से हिंटर डेम सोफा, पहला तो होगा द कॉट से गेट हिंटर द सोफा, सोफा, सेकंड में द कॉट से ईस्ट हिंटर हिंटर डेम सोफा, डेम सोफा, देयर सोफा, Them, sofa. Sorry, again, the revision of the vexillary preposition.
वेक्चुअल प्रीपोजिशन का मतलब होता है चेंजिंग प्रीपोजिशन और टू वे प्रीपोजिशन. मोमेंट होता तो अकुजेटिव, नॉन मोमेंट डाटिव. मोमेंट इन ए फिक्स एरिया डाटिव, या फिर वो से क्वेश्चन डाटिव, वो इनसे अकुजेटिव. और नो प्रीपोजिशन होते हैं उनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया. और ये रूल वहीं पे लगाना है जब आपके वेक्चुअल प्रीपोजिशन आ जाए. ये नहीं कि मैं चाय बना रहा हूं तो मोमेंट है तो इसको अकुजेटिव बना दूं. तो यहां तो क्वेश्चन बन रहा है कि कहां पर बना रहे हो, तब आएगा कि आई एम डूइंग समथिंग इन द किचन. तो इन वेक्चुअल प्रीपोजिशन आया तब आप बना सकते हो इसको डाटिव में. इस एग्जांपल को लेते हैं, इश कोक है डेंटे इन देयर क्यूशे. द क्यूशे, क्यूशे मींस किचन. किचन द क्यूशे, द क्यूशे. अब देखिए इसको अगर ब्रेक करते हैं सेंटेंस की ग्रामर को, कौन बना रहा है, हु क्या रहेगा नॉमिनेटिव, क्या बना रहा है व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अकुजेटिव. इन वेक्चुअल प्रीपोजिशन आते ही आपको सोचना है कि अकुजेटिव करूं या डाटिव करूं. इसको डाटिव में किया आपने बिकॉज हियर द क्वेश्चन इज विथ वो, कहां बना रहे हो चाय, किचन के अंदर. किचन का आर्टिकल होता है दी, अकुजेटिव में जाएगा दी का दी, डाटिव में जाएगा दी का देयर. तो इफ कुक है डेंटे इन देयर क्यूशे, इफ आई आस्क यू हे व्हाट मार्क्स टू वो बिस टू, मैं क्वेश्चन पूछा व्हाट मार्क्स टू, आप बोलोगे इश कोक है डेंटे, वो कॉक स्टूडेंट है इश कोक है डेंटे इन देयर क्यूशे, मतलब मैं चाय बना रहा हूँ किचन के अंदर. बताइए वो बिस टू, आप बोलिए मैं रूम में हूँ. इश बिन द सिमर, इश बिन देम सिमर, इश बिन देम सिमर, ऑर्डर इश बिन इम सिमर, व्हाट मार्क्स टू इम सिमर, व्हाट आर यू डूइंग इन रूम. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch im Zimmer. Im Zimmer lerne ich Deutsch. तो बोलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो से क्वेश्चन बन रहा तो डाटिव, वो इन से बन रहा तो अकुजेटिव, इतना दिमाग में रखना है. देन यू जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस, क्योंकि बोलते टाइम आपके पास में बहुत कम टाइम होता है. विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स यू हैव टू डिसाइड किसको अकुजेटिव बनाना है, डाटिव बनाना है, बहुत मुश्किल होता है. तो क्या करना है, इबुंग मार्क देन मास्टर, जो प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट. जितने आप सेंटेंस बनाओगे, जितनी स्पीकिंग में यूज लोगे, उतना आप इजीली बना पाओगे कि इसको अकुजेटिव बनाना है डाटिव बनाना है. अगर इनके कंपैरिजन में अगर अकुजेटिव और डाटिव प्रीपोजिशन को बताओ तो वो इजी होती है. अकुजेटिव आपको पता है प्योर प्रीपोजिशन अकुजेटिव है तो आगे वाला पार्ट आप अकुजेटिव बना दोगे. डाटिव मिट है तो डाटिव आगे वाला पार्ट आप डाटिव बना दोगे. बट इसमें क्या आपको सोचना पड़ेगा, अकुजेटिव बनाऊं या डाटिव बनाऊं, दैट्स द प्रॉब्लम. क्लियर हो गया अपना. द कैट्स इज इंटर देम ज़ोफा, द कैट्स गेट इंटर दास ज़ोफा. क्लास के बाद में आपको सेंटेंसेस दूंगा, आपको उनको फिल करने है. एक और लेते हैं लास्ट वन आज के लिए. आन, आन कौन सी पोजीशन के लिए, दीवार वाली के लिए, वर्टिकल हैंगिंग, जैसे कुछ हैंग कर रहे हो आप. लैंड कार्ट होता आपका मैप, ये टी है लिख देता हूं सही. लैंड कार्ट मींस मैप. हैंग करने को बोलते हैं हैंगन. और दीवार को बोलते हैं दीवांड, दीवांड मींस वॉल. इफ आई एम हैंगिंग द मैप ऑन द वॉल तो सेंटेंस क्या होगा, इस हैंगे, इस हैंगे डी लैंडे कार्टे देखिए यहां तक कौन से रूल लग रहे हैं, कौन हैंग कर रहा है, नॉमिनेटिव. क्या हैंग कर रहा है, वॉच, अकुजेटिव. जैसे ही आन प्रीपोजिशन आया, वेक्चुअल प्रीपोजिशन है, क्वेश्चन इज विथ वोहिन कि कहां पर हैंग कर रहा है, वोहिन क्वेश्चन बना तो ये क्या होगा, अकुजेटिव, करेक्ट. अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं जिसके अंदर मैप को कोई हैंग नहीं कर रहा, मैप हैंग हो रहा है, उसकी लटका हुआ है वॉल के ऊपर, तो सेंटेंस क्या होगा, इस हैंगे डी लैंडे कार्टे. आप हैंग कर ही नहीं रहे हो, अब तो लटका हुआ है, तो सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, लैंडे क्यों आया,
because question is with wo. That's why it is. Without you. Clear? I hope एक vexillary proportion का concept clear हुआ होगा. तो जितने भी no vexillary proportion है इसी format से बनने वाले हैं. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वो बिस टू आपके पास में ऑप्शन है. पहला आई एम डेम्सिमर द सिटी. सेकंड आई एम डिस्ट्रासे गोइंग इन द गार्डन. आई एम behind the bank. I am in front of the garden. I am going cinema. मेरा क्वेश्चन है वो बिस टू वेर आर यू. आपके पास में पांच ऑप्शन है कि मैं सिटी में हूं, मैं गार्डन में जा रहा हूँ, मैं बैंक के पीछे हूँ, मैं गार्डन के सामने हूँ, मैं किनो जा रहा हूँ. सिनेमा मतलब किनो थिएटर, मूवी थिएटर. वर्ड्स है सिटी को बोलते हैं द स्टार्ट. गार्डन का आर्टिकल होता है देर गार्डन. देर गार्डन. बैंक का आर्टिकल होता है दी बैंक. दी बैंक. सिनेमा किनो दास किनो. जाने के लिए वर्ब होती है गेहन. प्रीपोजिशन बता देता हूं आपको. इनका इन ही रहेगा, यहाँ पे भी इनका इन ही रहेगा. बिहाइंड के लिए रहेगा इंटर. इंटर. इन फ्रंट ऑफ के लिए रहेगा फोर. फोर. टू के लिए रहेगा इन. अब बनाइए सेंटेंस, चैट में डाल दीजिए. मेरे क्वेश्चन का आंसर वो बिस टू. It's been in their start. It's been their start. In their start. Question क्या बन रहा है? कि कहाँ पर हो? Where are you? Where से question बना? Means वो से question बना? इनका जो preposition का जो behavior है वो dative रहेगा. The start हो जाएगा. Their start. तो पहला होगा. It's been their start. In their start. It's been in their start. Second. I am going in the garden. क्योंकि क्वेश्चन बनता है where are you going? Going से क्वेश्चन बना. आपको जाती हूँ. Their garden क्या हो जाएगा? Their garden. Their garden. इस गे है. In their garden. In their garden. Third one. It's been hinted their bank. It's been hinted their bank. कोई दूसरा बताना. Somebody else can try. बरखा आप बताना. जीत जीत सोलंकी आप बताओ. यस. थर्ड वन आई एम बिहाइंड द बैंक. आई एम इज बीन हिंटर. इज बीन हिंटर सर. दी बैंक था, डाटी में जाएगा देर हो जाएगा. देर बैंक. अभी डाटी में क्यों भेजा ये भी बता दो. जी था सर. क्वेश्चन इज विथ वो कि कहां पर हो. या राइट. दैट्स व्हाट इज डाटी. सो दी बैंक डाटी में जाएगा तो जाएगा देर बैंक. बैंक नहीं बैंक. फोर्थ वन आई एम इन फ्रंट ऑफ द गार्डन. मैं गार्डन के सामने. फोर्डम गार्डन. No moment or was a question. Damkino. It's been for. No, it's been for them garden. Yeah, them. Last one auto, I am going to cinema. Damn cinema. डैम क्यों आएगा जब क्वेश्चन वोइन से बन रहा है कि कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग. वोइन से बन रहा तो क्या आएगा. आकू जाटी. सो आकू जाटी में दास किनो का दास किनो ही रहेगा. यस सर. हां सर दास. यस. इश गे है दास किनो. किनो.
अगर आप इसको बोलो कि मैं पूछो कहां पर हो, आप बताओ मैं किनों में हूं, तो दास का क्या हो जाएगा? देम, इश बिन इन देम, इश गे इन किनो, यहां पे कि मैं गार्डन के सामने जा रहा हूं, इश गे है, इश गे इन गार्डन। सर यहां पे इन लगेगा या जू लगेगा? इस गेह जू, यहाँ पर इन लगेगा। किनो, जर्मन में जो प्रीपोजिशंस होती है, जैसे रेस्टोरेंट जा रहे हो, होटल जा रहे हो, किनो जा रहे हो, स्टेडियम जा रहे हो, इनके लिए इन प्रीपोजिशन होता है, ठीक है? तो बाकी अलग अलग प्रीपोजिशन जैसे आपका आती जाएगी, मैं बताता जाऊंगा। घर जा रहे हो उसके लिए नाक आएगा, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो उसके लिए नाक आएगा, एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहे हो नाक आएगा, जिन कंट्रीज का आर्टिकल ऑलरेडी है दी उनके लिए इन आएगा। तो कुछ रूल्स है इनके, स्कूल जा रहे हो टू आएगा। तो जब अपन सभी प्रीपोजिशंस कर लेंगे ना, हाँ, तभी मैंने ब्रैकेट में लिखा, इंग्लिश में तो टू है बट जर्मन में इन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब जर्मन में टू आएगा तो हमेशा इंग्लिश में इन आएगा। तो जब हम सभी प्रीपोजिशंस कर लेंगे तब मैं एक लिस्ट बना के दूंगा आपको कि किस सिनेरियो के अंदर आपको कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है। एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग द वेक्सल प्रीपोजिशन, सो वी शुड फोकस ओनली ऑन द वेक्सल प्रीपोजिशन पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा टू, टू के लिए इन। तो ये एक प्रीपोजिशन थी, कुछ की हमने चार पांच, बाकी और भी कर लेंगे कल वाली क्लास के अंदर। इन, आउट, यूबर, हिंटर, उंटर, ऑन, नेवन, सेशन, फॉर, ये नौ प्रीपोजिशंस है, वेक्सल प्रीपोजिशन आती है, इनको बोलते हैं चेंजिंग प्रीपोजिशन। इनका बिहेवियर क्या है? ये अकुजेटिव हो सकती है, डाटिव भी हो सकती है। अकुजेटिव कब होगी? या तो मूवमेंट होगा तब, या वहीं से क्वेश्चन होगा तब। डाटिव कब होगी? या तो क्वेश्चन वो से बने, या फिर मूवमेंट नहीं हो, या फिर मूवमेंट हो तो फिक्स एरिया में हो, ये इसका रोल है। तो इस क्लास के बाद में आपको टेस्ट असाइन करने वाला हूँ ऐप के ऊपर, जो सलीफाई का ऐप है उसके ऊपर मैं एक आपको एक टेस्ट असाइन करूंगा। सेकंड थिंग, आई विल राइट सम इंग्लिश सेंटेंसेस एंड वी विल पुट इन योर ग्रुप, आप लोगों को ट्रांसलेट करके भेजना है। ट्रांसलेट करते टाइम एक चीज जरूर देखना, करेक्शन के कैसे मींस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अकुजेटिव लगा रहे हो तो यू शुड आस्क योर सेल्फ कि मैं अकुजेटिव क्यों लगा रहा हूँ। डाटिव लगा रहे हो तो खुद से पूछना है कि डाटिव क्यों लगा रहा हूँ, यू विल गेट योर आंसर और वहां पे मिस्टेक्स कम होगी। टाइम लिमिट कल की क्लास है 7 बजे तक, तो आराम से आपके पास 24 आवर्स है। ऐप के ऊपर अगर आप टेस्ट को एक बार ओपन करते हो तो उसको वन गो में ही करना है। अगर आप ऐप को क्लोज करके वापस स्टार्ट करके करोगे तो नहीं होगा फिर। तो जब आप ऐप पे टेस्ट दो तो पूरा रेडी होके देना कि वन गो में इसको फिनिश करना है। ओके डन। Good night.